ये चलिए यूपी के कल्चरल की तैयारी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आप देख रहे हैं एनआईसी का सेकंड डे। हमारे कैंप में चल रही है शुरू शुरू से तैयारी। नाइस नाइस गाइस, ये देखो नीचे आग सेक रहे हैं लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद। उधर बच्चे अपने ओके शायरी सुनाई जाएगी। शायरी सुना। आर्मी लवर आर्मी प्लीज अटेंशन प्लीज। जी जी फौज की भर्ती की तैयारी करते करते ना जाने हमें जोर से हो गए। फौज की भर्ती की तैयारी करते करते ना जाने हमें कितने जमाने हो गए। अपना भी ख्याल न रहा इतने हम उस वर्दी के दीवाने हो गए। वाह 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 क्या बात। बढ़िया रिखिल जी भी अब सुनाएंगे एक शायरी। अर्ज किया है शेरों के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं। शेरों के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं। लाखों के बीच फौजी ही पहचाने जाते हैं। वाह वाह क्या बात है। कभी गम की उसकी वजह से कभी खुशी मिलती थी तो कभी गम और उसकी इसी वजह को प्यार समझ बैठे क्योंकि बेवकूफ थे। ये डलेगा ये डलेगा। नए साल में ना मेरे को मेरी एक्स दी उसके ऊपर एक नीचे नए साल में ऊपर वाले का मुझ पे एतवार हुआ। फिर उसका नए साल पे मेरे मुझसे दीदार हुआ। उसे देखते ही पुरानी सब बातें याद आ गई। उसके साथ बिताए सारे लम्हे याद आ गए। बस मेरा यार एक मिनट चाहती हो इस दिल को कौन समझा पाएगा। बस एक ही मेरा सवाल है तुमसे क्या इतना आसान था मुझे बुलाना। मेरी हर याद को अपने दिल से यूं जलाना अपने दिल से यूं जलाना। वाँ। 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 कोई बात नहीं होता है होता है होता है। तो गाइस ये स्काउट करने के लिए बच्चों की प्रैक्टिस हो रही है। चला हुआ है रंगोली कॉम्पिटिशन। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल सी रंगोली सब बना रहे हैं अलग अलग स्टेट्स। तो ये है हिमाचल की रंगोली। ये है पंजाब की। ये अदर स्टेट्स के मुझे नाम नहीं पता कौन कौन से। अभी आपका कौन से है? उत्तर प्रदेश नहीं दिल्ली। दिल्ली ना नाइस। ये फूल फूल वाला ना आपका अब रेट बढ़ गए आपके। हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स का साहब को साहिबान को पे बैजेस वगैरह लगाने पड़े हैं। 6,000 रुपए साल का हो गया आपका। आपका नाम सही है विशाख। वो मेरे से आप फोटो कॉपी ले लेना। मैं उसका बिल जो रेट हिमाचल और इनका सब मिनिस्ट्री से मैं लेकर आया। पलक है आपको एक एक दे दूंगा। फोटो कॉपी मोबाइल में ले लेना आप ठीक है। अब बात स्थानीय लोकल में जो आपके प्रधान है प्रधान का लेटर बड़े मान्यवर के बहुत ज्यादा माना जाता जहाँ प्रधान है उसमें कितना नॉलेज है और उस नॉलेज को रिचनेस की इंफॉर्मेशन हम सबको होनी चाहिए।
तो दिस इज द मेन मोटो ऑफ एनआईसी कैंप. और मुझे लगता है सब जो बच्चे हैं सीख भी काफी रहे हैं. सीख रहे हो ना यहाँ पे? यस मैम. जो मिसकंसेप्शन हमारे माइंड में हुआ करते थे किसी पर्टिकुलर स्टेट को लेके या स्पेसिफाइड किसी आइडिया को लेके रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आई थिंक वी हैव लिटिल बिट एकत्रित हुए हैं सर. मुबारक समा है, खुशी का जहां है, चहकी जे धरती और महका आसमां है. दिल को ऐसे मेहमानों पे नाज होता है. आपका स्वागत है, अब करते हम स्वागत है. दिल की गहराइयों से बजती शहनाइयों से धन्यवाद. करीब है. अब मेरी मुराद है इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री नरदेव जी, कृपया सर मंच पर आए और आए हुए अतिथिगण का स्वागत धन्यवाद करें. माननीय श्री संदीप कमर जी, मैनेजिंग डायरेक्टर सेवन स्टार इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनी. हमारे बीच में हमारे आदर्श इस एनएसएस को मीन्स आगे तक ले जाने वाले शख्स आदरणीय श्री दिलीप सिंह ठाकुर जी,
कैंप कमांडर कम कोऑर्डिनेटर ऑफ एनएसएस हिमाचल प्रदेश। हमारे बीच में प्रधानाचार्य अभी पहुंचे, हमारे बीच में जो मेरे दूसरे आदर्श हैं श्री दविंदर जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोड़ियम। आपका स्पेशल थैंक्स सर, इतने दूर से आप एक छोटे से फोन के ऊपर आप यहाँ पे पहुंचे और इस एनआईसी कैंप के इनॉग्रेल फंक्शन के गवाह बने। हमारे बीच में प्रिंसिपल प्रोइया सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर, तो सिंपली कल हमने एक छोटा सा मैसेज भेजा और सर आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अपना कीमती समय निकाला, मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत ही अभिनंदन करता हूँ। जो रीति रिवाज किए जाते हैं उसके ऊपर झमाकड़ा जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। चलिए देखिए, दिस इज इंटीग्रेशन बेसिकली। कोई इंसान कहाँ से आया और कहाँ पहुंचा और बिल्कुल अपने जैसा उसको मिला। सो दिस इज द मेन मोटो ऑफ दिस कैंप। मैम काइंडली अनाउंस द अनदर टीम। उत्तराखंड केरला टीम रेडी है, उत्तर प्रदेश तो अभी मंच पर आमंत्रित है उत्तराखंड। भूम्याला हे देना हो या पंच नाम देवा हे, देना हो या नखोली का नाग हे, देना हो या नखंडी नरसिंह हे, देना हो या जय बाबा के दारा हे, देना हो या जय बद्री विशाल हे, देना हो या खोली ज्ञानम वरतयो निन्ने कूडे पाडिल्ला पाडिल्ला नम्मे नम्मे पाडे मारन्नुम तीरु कूडा ஆடும்
ಯೋ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡೆ ಅಡೆ ಮಾರಂಗಂ ತೀರೋ ಕೂಡ ಶನಿ ಪಿಯಾ ಪಿಯಾ ಕೇ ಮಕ್ಕಿ
ये जो सॉन्ग आपके सामने प्रस्तुत किए दो प्रकार के, एक हारुल धोती और एक नाटी। हारुल जो है ये हमारा पारंपरिक नृत्य होता है, जब मुख्यतः जैसे हमारी दिवाली है, कोई भी पर्व हो उस अवसर पर गाई जाती है, लेकिन जो उसमें मुख्यतः पुरुष ही ज्यादा डांस करते हैं, और ये हथियार जो होता है आपने देखा होगा डांगरा, इसके साथ डांस किया जाता है। और दूसरी जो नाटी होती है ये शादी विवाह के अवसर पर गाई जाती है, जिसमें महिलाएं और पुरुष संयुक्त रूप से डांस करते हैं, और ऐसे अवसर पर ये हमारे नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। ये हमारे हिमाचल का जो हमारा जिला शिमला और सिरमौर के ये जो बच्चे हैं, हमारा कल्चर थोड़ा मिलता जुलता है, तो ऐसे शुभ अवसरों पर ये दोनों प्रकार की हारुल और नाटी को प्रस्तुत किया जाता है। थैंक यू। जय हिंद। तो ये सर एक चीज पूछना, सिर्फ जे एंड के में नाचोगे ना उसको लेके, तो मुझे नहीं पता फिर आप पे कौन कौन सी धाराएं लग जाएगी। डांगरू लेके एनएसएस वाले तो वैसे भी खतरों के खिलाड़ी होते हैं, जब आप इतने दूर से पहुंच गए, ठंड में आप जो है डट कर मुकाबला कर रहे हैं, तो ये डांगरा कुछ भी नहीं आपका बिगाड़ पाएगा। वैसे मैम आप एलओसी पे भी डट के ही मुकाबला कर रहे हैं, वो सारी दुनिया जानती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वीर जवान जो है वहाँ हमेशा डटे रहते हैं, और सारे हिंदुस्तान से वहाँ जो दूसरे जो नॉन हिमाचली लोग है ना उनको शामिल करिएगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपका स्वागत है। देखो ना अभी जल्द होती है, गलत बात है। मंगना मैं रब को लो एक खैर मंगा तेरे दम दी, बाज सजन लजपाल तेरे मैं को जिया किस कम दी, पल पल माने सुख वे हजारा कड़ी देखे ना कोई अलम। इंदिरा गांधी नेशनल अवार्डी दिलीप सिंह ठाकुर सर, कोऑर्डिनेटर प्लस टू काउंसिल। राष्ट्रीय स्तरीय योजना के इस नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो हमारा ये इनॉगुलर सेशन है, ओपनिंग समारोह के मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही आदरणीय और राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए बहुत ही सपोर्टिव हिमाचल प्रदेश के लिए इनका योगदान रहा है, आदरणीय श्री संदीप कंवर जी जो इंटरनेशनल सेवन स्टार बनी जिला हमीरपुर के ये मैनेजिंग सहयोग के लिए इनको नेशनल जो तीसरा पुरस्कार मिला है, तो तीन राष्ट्रीय पुरस्कार से ये सम्मानित है। Yeah.
लीडरशिप क्वालिटी लेके अग्रसर हो पाते हैं। मैं भी कभी यहाँ पे इस मंच के ऊपर एक वॉलंटियर था और इस एनएसएस से जितना सीखा, आज मेरे दो स्कूल है, एक एकेडमी है और एक समाज में जो एक लीडरशिप के लिए चाहिए वो सब इस कैंप ने दिया। ये एनएसएस कैंप करने का होस्ट का मौका मिला, ये हमारे लिए पूजा है। ये हमेशा हमारे सीनियर्स इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें देते हैं, हमें उस अपॉर्चुनिटी को समझना है। आप पूरे नेशन से अगर नॉलेज लेने के लिए घूमोगे तो आपको लाखों रुपए लग जाएंगे और आपका ये परिवार छोटा सा है, आप यहाँ 4-5 दिन जितना भी रहोगे आपको हर कल्चर एक्सचेंज मिलेगा। यहाँ हिमाचल मैं घूमेंगे तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सर की तरफ से ने हमारे टूर के लिए 21,000 रुपये डोनेट किए हैं। थैंक यू सो मच सर। के लिए दयावान है स्वागत आपका कर न सके हम, जैसी आपकी शान है आपका जहाने पर स्वागत है स्वागत है। तो सर ये एनआईसी और आपका साथ एक दूसरे के पर्याय हैं, पहले भी आपका विशिष्ट सहयोग हमें मिलता रहा है, हम उम्मीद करेंगे आपने जैसे आज सहयोग किया आगे भी जो है वो आपका सहयोग अनवरत जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक मैम। पंक्तियों के द्वारा रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो जिनको भी हरियाणवी हिंदी समझ में आती है वो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मार के तू देख एक गेड़ा हरियाणे में, लाग जा फरक तने बड़े और शाने में, दुनिया में आज जी का पाठ रे सरुका, आजा मैं बताऊं ईसा कैसे हरियाणे में, गामा मेरे जांदे कच्चे रोड देखिए, तंगला में होंदे हुए तोड़ देखिए, विदेशा वाले चोच लेना चल रे उड़े, ब्लैंकेट नहीं मारी छोड़ देखिए, चूल्हे आगे बैठा परिवार पावेगा, भाइयों ते भी प्यारा उरे यार पावेगा, रोले रब दया कर रख पूरा शोके, कून में दरिया रे लट त्यार पावेगा, जेठ में जो पड़े वा तू धूप देखिए, मार के मंडा सा बंद कूप देखिए, फैसला के चक्करा में पड़े दे नहीं, बिना मेकअप बीरा करे तू रूप देखिए, करोड़ा में मिले इसे चोटे पावेंगे, गाड़िया में आंधे हुए बरोटे पावेंगे, मानस उरे पूरे दिल के नरम पर, बुढ़े तने मारे उरे खोटे पावेंगे, गामा में मनावे वा तू होली देखिए, कोल्डे नु चले जनु गोली देखिए, गाड़ा मेरे चले हम नीची नाड़ कर, कह तू ठाकने मुंह मत ओली बोली देखिए, जोड़ा ऊपर बालक तने नांदे पावेंगे, कुछ टांग ने सर पे कचा जांदे पावेंगे, कारा का ना सोके कदे रखा यार ने, पक्कियां की रेलिए बनांदे पावेंगे, बोली मारी करेंगे और टिल द इवनिंग। ठीक है, जितना भी अब कल्चर आइटम्स रह गए हैं, अभी अनाउंसमेंट भी किया लेकिन लंच का टाइम हो गया है तो और डिबेट कंपटीशन भी है, लेकिन ये नहीं कि आपका नहीं होगा, यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन द इवनिंग। ठीक है, एज पर द रूटीन आप लोगों को चलिए। ठीक है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल सर, आई रियली उड़ीसा वाले आ जाए, बट रेस्ट ऑफ द पीपल विल प्रेजेंट देमसेल्फ इन द इवनिंग, यू विल गेट द प्रॉपर चांस टू डू दैट। वी आर नॉट सस्पेंडिंग, वी आर जस्ट पुटिंग ऑफ टिल द इवनिंग। Mm-hmm.
जगत ताहियो पर भगवती उदित दिन कर लाल छविन रूप सुंदर छाजती उदित दिन कर लाल छविन रूप सुंदर छाजती सिंह पर एक कमल राजित ताहियो पर भगवती शंख गही गही चक्र गही गही लोक के माँ पालती दांत खट खट जी हल हल शोणित दांत मढ़ावती दांत खट खट जी हल हल शोणित दांत मढ़ावती ब्रह्मैलन विष्णुएलन शिवजी एलन गति सिंह पर एक कमल राजित ताहियो पर भगवती। थैंक यू। इनके स्टेज से ये टीम आ रही है अगली प्रस्तुति लेकर। जब तक इनका गाना सेट हो रहा है दो पंक्तियां मैम के लिए। गल्ला तेरिया हो मिठड़ा मखीर नीलमा तूता लग दी हो मिंज रांझणे दी हीर नीलमा। सच में लगते हैं मैम सो मच। तो ये जो है ये जो आप सॉन्ग बच्चे आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं दिस इज भूमरो भूमरो फ्लावर व्हिच इज इन कश्मीर वैली। उस खूबसूरत फूल की जो कि डल झील में है और वो इतना खूबसूरत है कि उसकी तारीफ में शब्द भी कम पड़ जाए। तो देखिए आपके सामने प्रेजेंटेशन फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर भूमरो भूमरो। दिल मोह लिया। अब मेरा निवेदन रहेगा। देखो दोस्तों अब हमारा कल्चरल सेशन हो चुका है इनॉग्रेशन का जो कि सेकंड डे हुआ और अब सारे लंच करने बैठे हैं। ये स्कूल के बच्चे हैं। ये है ज्योति और ये है मानवी और ये है अभिषेक। ये सब लोग बैठे हैं। तो गाइस देखो देखो यहाँ सब सीख रहे हैं मुमरो। सब भाग भाग गया। 1.5 to you. Happy birthday. So zero. So we are heading towards zero. Time over. Time over. चलिए सभी गाइस आप खाइए लंच के बाद। अब हम लोग कुछ नहीं कर रहे अभी हम फ्री बैठे हैं। गर्ल्स वॉलंटियर्स वर्सेस बॉयज वॉलंटियर्स। गर्ल्स वॉलंटियर्स पहले बोलेंगे देखना किसमें ज्यादा दम है बॉयज और गर्ल्स। रेडी गर्ल्स वॉलंटियर्स। यस मैम। जोश है। यस मैम।
नहीं आई। जय माता दी। जोश है। यस मैम। ऑल वॉलंटियर्स। जोश है। यस मैम। जोश है। यस मैम। बम 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 भोले आए हैं ये शंभू। बम 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 भोले आए हैं ये शंभू। बम 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 भोले आए हैं ये शंभू। बात पते की बताने आए हैं ये शंभू। बात पते की बताने आए हैं ये शंभू। अच्छा देखिए अभी आप मुझे ईमानदारी से बताइए किस किस को नींद लगी है। नींद आना आन देसी नींद। आप यहाँ सोने आए हैं। जिन्होंने हाथ उठाए वही जवाब देंगे। चाहिए कि 16 स्टेट्स आई हैं। मेरे से 16 गुना ज्यादा आवाज आनी चाहिए आप लोगों को। माइक दे दे रहा हूँ। माइक दे दे रहा हूँ। बताऊंगी बहुत बम 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 भोले आए हैं ये शंभू। बम 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 भोले आए हैं ये शंभू। बम 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 भोले आए हैं ये शंभू। बात पते की बताने आए हैं ये शंभू। बात पते की बताने आए हैं ये शंभू। भाई मजा नहीं आ रहा मुझे आप लोगों की आवाज मेरे कान में दबा कर देना होगा। मजा तब आएगा ना जब आप लोग मेरे से इतने ज्यादा है। मैं यहाँ पे अकेले बोल रही हूँ। आप लोग कितने हैं तो अपने घर से कूड़ा कचरा फेंक दिया दरवाजे पर। अपने घर से कूड़ा कचरा फेंक दिया दरवाजे पर। अपने घर से कूड़ा कचरा फेंक दिया दरवाजे पर। यहाँ वाले बच्चे नहीं बोल रहे हैं। रेपिटेशन तो आप कर सकते हैं। मम्मी तो बोल रहे हैं। क्या मम्मी बोल रहा हूँ। ट्राई कीजिए। एक तो वर्ड तो अटर कर ही सकते हैं ताकि आपको भी थोड़ा अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी तो समझ कैसे आएगा बोल कह रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिखनी चाहिए। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हमारा हो रहा है तो आप प्रयास कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने घर से कूड़ा कचरा फेंक दिया दरवाजे पर। अपने घर से कूड़ा कचरा फेंक दिया दरवाजे पर। कूड़ा कचरा पैदा करता मच्छर। 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 बम 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 भोले आए हैं ये शंभू। बम बम भोले आए हैं ये शंभू। बम 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 भोले आए हैं ये शंभू। बम 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 भोले आए हैं ये शंभू। बात पते की बताने आए हैं ये शंभू। बात पते की बताने आए हैं ये शंभू। अपने घर से कूड़ा कचरा फेंक दिया दरवाजे पर। अपने घर से कूड़ा कचरा फेंक दिया दरवाजे पर। अपने घर से कूड़ा कचरा फेंक दिया दरवाजे पर। अपने घर से कूड़ा कचरा फेंक दिया दरवाजे पर। कूड़ा कचरा पैदा करता मच्छर। कूड़ा कचरा पैदा करता मच्छर। अभी आप लोग मुझे बताएंगे ये शंभू कौन है भाई। कौन है शंभू। ये जो आप सारे बैठे हैं ना आप सभी शंभू हैं। ठीक है ये जो स्वच्छता का संदेश है आप घर घर जाके देंगे। अपने अपने एडॉप्टेड एरिया में देंगे। जो विलेज आपने स्पेशल डेज कैंप के लिए और पूरे वर्ष भर की रेगुलर एक्टिविटीज के लिए एडॉप्ट किया है दो दिन फिर गाँव जब आना होता है। एंड एनएसएस यूनिट हैव टू अडॉप्ट एंड विलेज अडॉप्ट अ विलेज टू परफॉर्म देयर एनएसएस एक्टिविटीज whether it is regular activities or it is a special campaign you will have to perform all your activities all your awareness rallies in that particular adopted village. Okay that's why you people are just like Shambhu. You will have to aware people about cleanliness drive. Okay आपको स्वच्छता संदेश जो भी देने हैं जागरूकता संदेश जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स आपको करने हैं उस एडॉप्टेड विलेज में आपको करना होता है। बहुत अच्छे वेरी नाइस।
सेशन में भी आपको नई नई बातें सीखेंगे। आपके कंजर्वेशन और आपके आज की प्रस्तुति को देखकर हमें बहुत अच्छा भी लगा और बहुत हमें आपसे आशाएं हैं, पूरे राष्ट्र को आपसे आशाएं हैं। आप राष्ट्र की शक्ति हैं, आप विद्यार्थियों में बहुत ज्यादा ऊर्जा है और आप इस देश के लिए अपनी सही ऊर्जा से देश को बहुत आगे तक ले जाने के लिए, देश की जो एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने अपने विद्यालय महाविद्यालय में जाकर राष्ट्रीय एकता शिविर में सीखी गई अच्छी बातों को अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंचाएंगे, ये मुझे आपसे कहना है। प्रिय विद्यार्थियों, एनएसएस में हमें ऐसा काम करना है, आप जहां हैं, आप जहां हो वहां सब आपको प्यार करेगा। आप 5-6 दिन तक यहां रहेंगे, आप जहां हो सब आपको वहां प्यार करेंगे। आप जब यहां से जाने वाले हो सर, नान उन्हें कदैल उक्रेन, कदैल उक्रेन, नान उन्हें कदैल उक्रेन, बोलो क्या। मेरा आप सभी से एक आग्रह ये है कि प्रिय विद्यार्थियों, आपने रिवर्स डू नॉट ड्रिंक देयर ओन वाटर, नदियां कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीता, ट्रीज डू नॉट ईट देयर ओन फ्रूट्स, कभी पेड़ जो है अपने फल स्वयं नहीं खाते, द सन डज नॉट शाइन इन इटसेल्फ, सूर्य कभी भी अपने लिए नहीं चमकता, एंड फ्लावर्स डू नॉट स्प्रेड देयर फ्रेग्रेंस फॉर देमसेल्फ, फूल कभी भी अपने लिए वो कोई खुशबू नहीं जो है बिखेरते, लिविंग फॉर अदर्स इज अ रूल ऑफ नेचर, दूसरों के लिए जीना जो है वो प्रकृति का नियम है, इसलिए हमें भी जो है दूसरों के लिए जीने के लिए हमें तैयार भी होना है और हमारे समाज को विचार करना है। वी आर ऑल बॉर्न टू हेल्प ईच अदर, हम सभी का जन्म जो है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हुआ है, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इज द वे, ये कोई मायने नहीं रखता कि रास्ता या हमारे जो मंजिल कितनी कठिन है, लाइफ इज गुड व्हेन यू आर हैप्पी, जीवन बहुत अच्छा है जब आप खुश हैं। जी का जो मंदिर है वो ही दिखाएंगे, कल हम आपको हाथ सुना के टेम्पल और वहां पे एडवांस पार्टी हमारी जाके 4 बजे यहां से चलेगी एडवांस पार्टी हमारी, और आपके लिए दोपहर का भोजन वहीं पे तैयार करेंगे। पूरा आपका उत्सुक है एक घंटे के लिए आपको हम शॉपिंग के लिए फ्री भी छोड़ने वाले हैं। भारत माता की जय। हिमाचल प्रदेश के पर्यटक मनाली, कुल्लू, शिमला, कुफरी, इन पर्यटक स्थलों में एक स्थान अगर कोई और है तो वो मैकलोडगंज और धर्मशाला। तैयार है? यस सर। यस सर। सुबह सबने 4:30 बोले भारत माता की जय। गाइस हमारा एकेडमिक सेशन अब खत्म हो चुका है और हमें अभी मिली है टी ब्रेक, हम चाय पीने के बाद मिलते हैं आपसे। ये देखो गाइस गर्मा गर्म चाय, गाने बंद हो गए तो डांस रह गया। ये देखो गाइस प्रैक्टिस चलिए मेले नू चलिए, ये शाम को करने वाले अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। प्राचीन काल से ही हमारे भारतीय शिक्षा नीति का परचम संपूर्ण विश्व में लहराता आ रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण दूर दूर विदेशों से आकर जो विदेशी हमारे भारत में पढ़ते हैं वह है, वह भारत के सांस्कृतिक एकत्रता से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का वह विशेष रूप है जिसमें राष्ट्र को एक सांझी संस्कृति के रूप में देखा जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया भर के धर्म को एक साथ कहां पाया जाता है तो आपका उत्तर होगा हिंदुस्तान। सर
सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग डिबेट होटल मैनेजमेंट एंड ऑल थिंग्स वोकेशनल सब्जेक्ट्स में वो सीख सकता है इजीली, जिससे उसको फायदा ही होगा एज आगे टाइम पे और वो एक स्ट्रीम पे फोकस कर सकता है। नहीं जैसे हमारे भी कह रहे हैं कि रिलीजियस टंग लैंग्वेज बोलनी चाहिए कि हर एक स्टेट में, तो जैसे कुछ पब्लिक जो स्टेट इंडिपेंडेंट जो भी स्कूल्स होंगे या जो पब्लिक स्कूल्स होंगे वो अगर इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करेंगे, अगर वो रीजनल पे नहीं करेंगे तो मतलब उसमें सेक्शन में डाइवर्सिटी आ जाएगी। क्या बोलते हैं आपसे इंग्लिश के बीच में आ सकती है, बट एज पर गवर्नमेंट स्कूल्स भी इंग्लिश प्रॉपर सिखाएं तो परफेक्ट बन सकता है, एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट बन सकता है। एजुकेशन इंग्लिश का मेन रोल नहीं रहेगा ना उसके बाद, हिंदी भी हम ऐसे पढ़ ही रहे हैं। जैसे कि अभी अभी हमने देखा है कि इंडिया में बहुत सारे मतलब करप्शन होते हैं, क्या इसमें ऐसा एनईपी में कोई भी करप्शन नहीं है? आपको क्या मानना है इसमें? नहीं करप्शन हो सकता है, बट सारे साथ एक थिंकिंग रखे, काउंसलिंग हो सबकी प्रॉपर, सबको अवेयरनेस हो कि हाँ मतलब शिक्षा जरूरी है सबके लिए, तो एजुकेशन सिस्टम बढ़िया हो सकता है। थैंक यू। ओके चले है पैसे कमाने के लिए जो उस रास्ते पर चल जाएंगे जिसे जो है संपूर्ण शिक्षा को जो है ग्रहण नहीं कर सकते। जी देखिए मुझे लगता है गलती वोकेशनल कोर्सेज में नहीं है, गलती वोकेशनल कोर्सेज के इम्पोर्टेंस को समझने में है। उसके वोकेशनल कोर्सेज का ये मतलब नहीं है कि बच्चे सिर्फ वोकेशनल कोर्सेज पे ध्यान देंगे। जैसा कि आप समझ सकते हैं अभी मेरे सामने एक किताब रखी है, उससे मैं कोई चीज पढ़ती जा रही हूँ, तो उससे समझना मेरे लिए उतना आसान नहीं होगा जितना कि उसे वास्तविक रूप में प्रैक्टिकल रूप में करने से होगा। तो वोकेशनल कोर्सेज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, तो मेरे हिसाब से उसमें बच्चों का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ेगा अपने सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, और वो कारपेंटर नहीं इंजीनियर भी बन सकते हैं। वो तो चलो अच्छी बात है अगर कोई इंजीनियर बनता है। बाकी नई शिक्षा नीति में अगर देखा जाए तो उसका एक और ड्रॉबैक ये है कि नई शिक्षा नीति में जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि उसमें आप अपनी मदर टंग जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें आप लोग स्टडी करते हो, लेकिन अगर आप आंकड़ा देखें तो अभी तक भारतवर्ष में जो स्टडी होती थी वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होती थी। भारत में जो है उन्हीं के टीचर अभी तक जो है मतलब हर जो भी हर स्कूल है वहाँ तक उनके टीचर नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, तो अगर आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उन बच्चों को पढ़ाने की जो है मतलब उन बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे तो आप उन टीचर्स की कमी को कैसे दूर करेंगे? और दूसरी बात यह है कि अगर आप सारी बुक्स को जो है वहाँ की लोकल लैंग्वेज में प्रिंट कर दोगे तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल काम है कि आप हर बुक्स को हर लोकल लैंग्वेज में प्रिंट कर लें? जी देखिए सबसे पहली बात ये कि जैसे कि एक डिजिटल इंडिया मुहिम हम सब ने चलाई है, तो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस में जो बुक्स होंगी उन्हें ऑनलाइन भी प्रिंट करेंगे, तो डिजिटल मीडिया के थ्रू ये और ज्यादा ईजी हो जाएगा, प्रिंटिंग का खर्चा हमारा काफी ज्यादा बचेगा। जो आपने डिजिटल इंडिया की बात की, एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में लगभग 50% से भी कम लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स है, तो आपको नहीं लगता कि जो गरीब लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल फोन्स नहीं है तो वो अपने बच्चों को वो शिक्षा कैसे दे पाएंगे? जी बिल्कुल, ये शिक्षा घर पे तो नहीं दी जाएगी ऑब्वियसली, बच्चे स्कूल जाएंगे और स्कूल में टीचर्स होंगे। अगर एक टीचर के पास वो डिजिटली चीज अवेलेबल है, स्मार्ट क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है, तो वो इजीली बच्चों को वो चीज सिखा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपका ये था कि हम टीचर्स कैसे अवेलेबल कराएंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे इसके लिए, तो उन ट्रेनिंग प्रोग्राम से हमारे टीचर्स इतने एबल है कि वो इस चीज को ग्रास्प कर सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं। Oh,
गर्म पानी मिलेगा, ठंडा मिलेगा, ठंडा पानी में जाना है एकदम बढ़िया फ्रेश हो। अरे स्नैपचैट नहीं मेरे पास। इंस्टाग्राम ये तो गेस्ट परफॉर्मेंस है, ये थोड़े ना कॉम्पिटिशन है, इसमें तो ले सकते हैं सीट का नाम।
अंतिम प्रस्तुति हिमाचल की नाटी। अभी दिखा देंगे थोड़ा बीच में प्रॉब्लम है मार रही है बट विद प्रॉपर डिसिप्लिन। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय। ये तो आज सवाल जवाब है, सवाल नहीं होते। मिट्टी की कोख में हाथ डाले बिना गुलाब नहीं होते। जिराकों की तरह खुद को जलाना पड़ता है महज मुठियां भर लेने से। कुछ नहीं होता सर, अपनी बस तो है, रात का है। पहले जहाँ था इसी में अपनी सेफ्टी में, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कल जब भी हम टूर पे जाएंगे तो कोई ऐसा कदम ना उठाएं जहाँ से आप किसी तरह का नुकसान हो, किसी तरह की आपको चोट लगे। पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो केरला तमिलनाडु जब आपको टाइम अलॉट किया जाएगा, अगर हम टाइम देते हैं आपको एक घंटे का, ठीक है सर, 55 मिनट में वापस आना है। अभी मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है तो मैं गाइज, ये हमारे NIC कैंप का सेकंड डे था और ये बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो गया है क्योंकि मैंने पूरे दिन की वीडियोस कैप्चर की है इसमें, सो दैट सभी इसको देख सकें कि क्या क्या हुआ है। एंड मेमोरीज मैं कैप्चर करना चाहती थी इसलिए मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है, सारी वीडियोज़ डाल दिए। होप यू लाइक वॉचिंग दिस व्लॉग। थैंक यू।